दोस्तों आपने वीरता और वीरों की कई कहानियां सुनी होंगी, पर जो कहानी आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको हिलाकर रख देगी, इस बात का मेरा दावा है। इसी कहानी पर अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी भी आने वाली है, जो 22 मार्च को रिलीज होगी। सारागढ़ी समाना रेंज के एक छोटे से गाँव का नाम हुआ करता था। समाना रेंज भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास की एक पर्वत श्रृंखला का नाम है और अफगानी इस पर कब्जा करने के लिए अक्सर हमले करते रहते थे। हमलों को रोकने के लिए और उनका जवाब देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन पहाड़ियों पर दो किले बनाए, लोखाट का किला और गुलिस्तान का किला। ये दोनों किले एक दूसरे से मीलों दूर थे और पहाड़ों की वजह से एक किले से दूसरे किले को कोई भी मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए इन दोनों किलों के बीच सारागढ़ी पोस्ट बनाई गई और इस पर एक सिग्नलिंग टावर भी तैयार करा गया, जिससे दोनों किलों के बीच संपर्क करना आसान हो गया। 1894 में 36 सिख रेजिमेंट को बनाया गया था, जिसमें सभी सैनिक जाट सिख थे। 1897 में इस रेजिमेंट की एक टुकड़ी को सारागढ़ी पोस्ट पर तैनात कर दिया गया। इसी बीच अगस्त के महीने में अफगानी पश्तूनों ने कई बार लोखाट के किले को कब्जाने की कोशिश करी, पर हर बार 36 रेजिमेंट के सैनिक उन्हें कड़ा जवाब देकर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देते थे। पर अब अफगानी इन किलों पर एक बड़े हमले की तैयारी में थे। उन्होंने पहले सारागढ़ी पोस्ट पर कब्जा करने का फैसला करा। अफगानी पश्तूनों की सेना में करीब 10,000 सैनिक थे और वहीं दूसरी ओर सारागढ़ी पोस्ट पर केवल 21 सिपाही तैनात थे, जिनके प्रमुख थे हवलदार ईशर सिंह। सुबह के करीब 9 बजे इन सैनिकों ने देखा कि अफगानियों की बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच सिपाही गुरमुख सिंह ने कॉलोनल हॉकटन, जो कि लोखाट किले में थे, उन्हें मैसेज भेजा कि हमारी पोस्ट पर हमला होने जा रहा है। कॉलोनल ने वापस जवाब दिया कि वे मदद के लिए अभी सैनिक नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्हें वहां पहुंचने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब उन 21 सिपाहियों के पास दो ऑप्शंस थे, या तो पोस्ट से भाग जाएं या फिर उन 10,000 पश्तूनों से लड़ें। दोस्तों आपको बता दूं कि इन 21 सिपाहियों में से ज्यादातर सिपाही लड़ाई के लिए कभी तैयारी नहीं करे गए थे। इनमें से कई खाना बनाने का काम करते थे तो कई कुछ और, पर दोस्तों अपनी मिट्टी का प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। ईशर सिंह ने तय करा कि वो मरते दम तक अपनी पोस्ट की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और पश्तूनों पर फायर करनी शुरू कर दी। कुछ पश्तूनों को उन्होंने गिरा दिया था, पर फिर भी उनकी सेना आगे बढ़ती रही और उन्होंने सारागढ़ी की एक दीवार को तोड़ दिया। सिखों के साहस को देखकर पश्तून भी चौंक गए थे। सिख सैनिक लगातार अफगानियों पर फायर करते जा रहे थे। अफगानियों ने सिखों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, पर वह फिर भी लड़ते रहे। सबसे पहले सिपाही भगवान सिंह शहीद हुए। जब अफगानी दीवार तोड़कर अंदर घुस गए, तब ईशर सिंह ने सभी सैनिकों को पीछे हटने को कहा और खुद आगे लड़ते रहे। धीरे धीरे सभी सिख सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए और जो आखिरी सैनिक शहीद हुए थे वो थे सिपाही गुरमुख सिंह। और वो लड़ाई के आखिरी क्षणों में बार बार सिर्फ एक ही बात बोलते हुए लड़े जा रहे थे, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। उन 21 सिपाहियों ने करीब 600 अफगानियों को मार गिराया था। इस जंग के बाद जब अफगानियों ने अपना रुख फोर्ट गुलिस्तान की ओर करा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय तक भारतीय सैनिक सतर्क थे और उनको जवाब देने के लिए भी तैयार थे, और वहीं दूसरी ओर हजारों अफगानी सैनिक पहले ही थके हुए थे या फिर जख्मी थे और किसी भी तरह से एक और जंग के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। अफगानियों की इस हार में सबसे बड़ा योगदान था 21 सिपाहियों के बलिदान का। 21 सिखों ने उस दिन साबित कर दिया था कि क्यों एक सिख को 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। बाद में 21 सिखों को कई सम्मानों से सम्मानित करा गया, जिनमें विक्टोरिया क्रॉस भी शामिल है। कई देशों के इतिहास की किताबों में भी इस कहानी को बखूबी बताया गया है। पर दोस्तों दुर्भाग्यवश हमारे देश के कई स्कूलों में इस कहानी को नहीं बताया जाता। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस कहानी के बारे में पता चल सके और उन्हें पता चल सके कि हमारे भारत देश में कितने वीर सैनिक पैदा हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।